हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लैम्प्रे की आंतरिकी संरचना और पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। पिछले चैप्टर में, पिछले लेसन में हमने यह लैम्प्रे या पेट्रोमाइजोन की बाह्य संरचना, सामान्य संरचना का अध्ययन किया था। आज हम लैम्प्रे की बॉडी वॉल, देह भित्ति के और मांसपेशियों की पेशीय संरचना का अध्ययन करेंगे। जब हम देह भित्ति का अध्ययन करेंगे तो हम यह पाते हैं कि त्वचा जो है वो एपिडर्मिस और डर्मिस दो जो लेयर्स हैं या तह है उनमें विभाजित रहती हैं। और एपिडर्मिस को अगर हम देखें, यह सॉफ्ट और स्लाइमी होती है और चिपचिपी होती है, चिकनी होती है, और इसे चिपचिपा या चिकना बनाए रखने के लिए इसमें असंख्य म्यूकस सिक्रेटिंग एक कोशिकीय ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो कि इसे हमेशा नम बनाए रखती हैं और इसे चिकनी बनाए रखती हैं। इसी के साथ म्यूकस सिक्रेटिंग कोशिकाओं के साथ साथ अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी उपस्थित होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से ग्रंथिल कोशिकाएं और स्लाइम सिक्रेटिंग कोशिकाएं भी होती हैं, जिनका साइटोप्लाज्म जो है वो हाइलाइन या काचा भी प्रकार का होता है। इन कोशिकाओं की जो संरचना होगी वो इलोंगेटेड क्लब रूप में होती है। और इसके साथ ही एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे का जो स्तर होता है उसे क्यूटिस कहते हैं। क्यूटिस एक मोटा नम गद्देदार नुमा संरचना होती है, क्योंकि ये कॉलेजन फाइबर्स की एक तह होती है और इस क्यूटिस में अनेक पिगमेंट सेल्स या जिन्हें हम वर्ण कोशिकाएँ अथवा क्रोमेटोफोर्स कहते हैं उपस्थित होती हैं। इन क्रोमेटोफोर्स की जो शेप होती है वो स्टीलेट या स्टार ताराकार आकार की होती है और इनकी स्थिति क्यूटिस में या त्वचा में परिवर्तित होती रहती है, अर्थात ये इनकी जो स्थिति होती है वो निश्चित नहीं होती है। विभिन्न अवस्थाओं में, प्रकाश की उपस्थिति में अथवा अंधेरे की स्थिति में, ये अपनी जो अवस्था होती है या स्थिति होती है उसे परिवर्तित करते रहते हैं। ये आपको नोट्स में मैंने मेन पॉइंट्स जितने भी हैं हाईलाइट कर दिए हैं। क्यूटिस के नीचे जो क्रोमेटोफोर्स उपस्थित हैं ये मुख्य रूप से प्रकाश और अंधेरे स्थान में ईल को के कलर में परिवर्तन को स्पष्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त जो पेट्रोमाइजोन है, इसका जो ट्रंक अर्थात धड़ भाग और पुच्छ भाग जो होती हैं उसमें उपस्थित मायोटोम्स एक समानांतर या समान स्थिति में ना होकर जिगजैग अर्थात जेड की आकार की संरचना में उपस्थित होती हैं, और इन मसल बैंड्स को हम मायोटोम्स कहते हैं। प्रत्येक मायोटोम के बीच में जो गैप होता है उसे मायोकोमा कहा जाता है। अब इन पेशीय संरचनाओं का अगर हम अध्ययन करते हैं तो ये मुख्य रूप से ईल के लोकोमोशन या गमन में सहायक होते हैं, क्योंकि जो ये पेशीय संरचनाएं होती हैं या पेशीय तंतु होते हैं ये एक धारा, वेव लाइक मूवमेंट उत्पन्न करते हैं जो कि अग्रभाग से पश्च भाग की ओर, देह के अग्रभाग से पश्च भाग की ओर एक धारा के रूप में प्रवाहित होते हैं। और मायोटोम्स की जो में उपस्थित लॉन्गिट्यूडिनल लंबवत पेशीय तंतुओं में लगातार कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन होने के कारण देह में अग्रभाग से पश्च भाग की ओर एक तरंगित गति उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है, परंतु ये जो तरंगें होती हैं बहुत ही शॉर्ट या छोटी होती हैं, अर्थात इसका परिणाम ये होता है कि ईल या पेट्रोमाइजोन जो है, लैम्प्रे है, वो बहुत फास्ट स्विमर नहीं होती, बहुत ही धीरे या स्लो स्विमर होती हैं। अब अगर हम पेट्रोमाइजोन के अंतःकंकाल की बात करें तो जब हमने वर्गीकरण किया था पेट्रोमाइजोन का तब स्पष्ट किया था कि यह एक कार्टिलेजिनस अर्थात उपास्थिल मछली होती है, जिसका संपूर्ण अंतःकंकाल कार्टिलेज या उपास्थि का बना होता है। नोटोकॉर्ड
ऑरिस्कल जो मुख्य अंतःकंकालीय संरचनाएं होती हैं ये कार्टिलेज की बनी होती हैं। इसके अतिरिक्त ब्रेंकियल बास्केट या गिल बास्केट जो होती है वह भी एंडो स्केलेटन के रूप में उपस्थित होती है, कार्टिलेज की बनी हुई संरचना होती है। सर्वप्रथम अगर हम एंडो नोटोकॉर्ड का अध्ययन करते हैं तो नोटोकॉर्ड में हम यह पाते हैं कि यह स्थाई संरचना है, इसीलिए पेट्रोमाइजोन को कॉर्डेटा में रखा गया है क्योंकि नोटोकॉर्ड इसकी एक स्थाई संरचना है, परंतु यह अखंडित होती है और एक मोटी तह के नीचे, एक मोटी टफ चमड़ी तह के नीचे उपस्थित होती है जिसके आंतरिक भाग तो पेशीय तंतुओं का बना होता है परंतु बाह्य भाग लचीली होती है, या जो बाह्य तह होती है वह लचीली होती है। इसमें अनेक कार्टिलेजिनस रॉड्स उपस्थित होती हैं और ये नोटोकॉर्ड के साथ में जुड़ी रहती हैं और कॉर्डल रीजन में या पुच्छीय भाग में आपस में फ्यूज होकर, समेकित होकर यह एक फोरामिना या स्पाइनल नर्व्स के समान संरचना का निर्माण करती हैं जो कि फिन्स को सूचनाओं को प्रेषित करने का कार्य करती हैं। क्रेनियम का अर्थ होता है ब्रेन बॉक्स या मस्तिष्क बॉक्स जिसे हम कहेंगे, मस्तिष्क का कंकालीय भाग की अगर हम संरचना देखें तो यह भी कार्टिलेज का बना हुआ है और बहुत ही आद्य संरचना होती है। इसमें जितने भी प्लेट्स होंगी, जैसे बेसल प्लेट है या प्री कॉर्डल्स हैं, ट्रेबिक्यूली, ये सभी संरचनाएं जो कि उसके आधारीय भाग या फ्लोर का निर्माण करती हैं कार्टिलेज की बनी हुई हैं और एक अधूरी या इनकम्प्लीट बॉक्स होता है जिसके अंदर ब्रेन और सेंस ऑर्गन्स जिसमें मुख्य रूप से हमारे कॉन्डाइल्स होते हैं, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल या घ्राण संपुट होंगे, श्रवण संपुट इत्यादि उपस्थित होते हैं। ऑडिटरी कैप्सूल या श्रवण कैप्सूल्स की अगर हम बात करें तो ये यूनाइटेड होते हैं अर्थात जुड़े हुए होते हैं और पीछे की और जो डाई बेसल प्लेट्स होती हैं वो मिलकर न्यूरोक्रेनियम या का अंतिम भाग का निर्माण करती हैं। ऑल्फैक्ट्री कैप्सूल या घ्राण कैप्सूल एक संरचना जो कि मुख्य रूप से कॉनकेवो कॉन्वेक्स प्लेट से बनी हुई संरचना होती है और ऑल्फैक्ट्री सैक या घ्राण कोश को अवलंबन प्रदान करती है पिछले भाग से। इस प्रकार अगर हम देखें तो संपूर्ण घ्राण संपुट जो है या संपूर्ण क्रेनियम की जितनी भी संरचनाएं हैं वे सभी किस प्रकार की होती हैं, कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं और प्लेट्स अगर लेटरली पोजीशन में होंगी तो वो पेयर्ड होंगी और अगर मध्य में उपस्थित हैं तो वह अयुग्मित होंगी। इस चित्र में यह स्पष्ट हो रहा है, हाईलाइट पार्ट आपको करके दिखाया हुआ है, यह क्रेनियल वॉल का निर्माण करती हैं, उभरी हुई संरचनाएं जो हैं वो संपुट का निर्माण करती हैं, जैसे ऑल्फैक्ट्री कैप्सूल है या ऑप्टिक कैप्सूल है इनका निर्माण करती हैं और पीछे की ओर जो रेखीय संरचना जा रही है, त्रिकोणाकार संरचना के जिसमें उपस्थित है, यह नोटोकॉर्ड है और जिसके ऊपर न्यूरल आर्च उपस्थित होती हैं। अधर भाग में अगर हम देखें जो आपस में जुड़ी हुई जालीदार संरचना है यह ब्रेंकियल बास्केट होती हैं जिसमें लॉन्गिट्यूडिनल व वर्टिकल कार्टिलेजिनस बार्स होती हैं जो कि आपस में जुड़कर एक बास्केट या टोकरी नुमा संरचना का निर्माण कर लेती हैं। बकल फनल के अगर अंदर हम देखते हैं उसमें भी कार्टिलेजिनस संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं, मुख्य रूप से एक रिंग या वलयनुमा संरचना होती है जो कि बकल फनल को
अंदर की ओर अवलंबन प्रदान करती है, और इसी प्रकार टंग या जिह्वा पर भी लिंगुअल कार्टिलेज नामक उभार, दृढ़ उभार उपस्थित होते हैं। अगर हम लैम्प्रे के विसरल स्केलेटन को देखें तो विसरल स्केलेटन में मुख्य रूप से ब्रेंकियल बास्केट आती हैं, जिसमें 9 वर्टिकल कार्टिलेजिनस रॉड्स उपस्थित होती हैं। इन 9 में से जो प्रथम रॉड होती है वह स्टाइलॉइड प्रोसेस के बिल्कुल पीछे की ओर उपस्थित होती है, और जो द्वितीय कार्टिलेजिनस रॉड होती है वह फर्स्ट गिल स्लिट के बिल्कुल सामने उपस्थित होती है। और इस प्रकार से ये वर्टिकल रॉड्स आपस में जुड़कर एक बास्केट या टोकरी नुमा संरचना का निर्माण कर लेती हैं। इसी बास्केट के अंदर जो पिछला भाग होता है, पश्च भाग होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, और ये पेरिकार्डियल कार्टिलेज कहलाता है। पेरिकार्डियल नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हृदय के चारों ओर उपस्थित संरचना होती है, या हृदय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह संरचना होती है। अब अगर हम सिलोम का अध्ययन करें, गुहा का अध्ययन करें, देह गुहा का, तो मुख्य रूप से 2 बड़ी गुहिकाओं में विभाजित होती है सिलोम को अगर हम देखें, जिसमें अग्रभाग की तो पेरिकार्डियल कैविटी, जिसमें कि हार्ट या हृदय उपस्थित होगा, और पश्च, जिसमें कि अन्य सारे विसरल ऑर्गन उपस्थित होते हैं। यह लैम्प्रे की एक सामान्य आंतरिकी संरचना है, जिसमें हम बकल फनल के कार्टिलेजिनस उभारों से को पढ़ते हुए विसरल कैविटी तक का अध्ययन हमने किया कि किस प्रकार से ब्रेंकियल बास्केट का निर्माण हो रहा है और किस प्रकार क्रेनियम और नोटोकॉर्ड की संरचना होती है। अब अगर हम कार्यिकी का अध्ययन करें तो सर्वप्रथम डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र का अध्ययन करते हैं। जब हम पाचन तंत्र का अध्ययन करते हैं, सेकेंड ईयर में भी या उससे पहले भी जब भी हम पाचन तंत्र का की बात करते हैं, तो पाचन तंत्र मुख्य रूप से 2 संरचनाओं से मिलकर बना रहता है, जिसमें कि एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां सम्मिलित की जाती हैं। अगर हम पेट्रामाइजोन की आहार नाल की बात करें तो इसमें बकल कैविटी, ईसोफेगस और मुख्य संरचनाएं होती हैं, और अगर पाचक ग्रंथियों की हम बात करेंगे तो पाचक ग्रंथियों में बकल ग्लैंड या सलाइवरी ग्लैंड, लिवर मुख्य संरचनाएं होती हैं। इस चित्र में बकल फनल या अग्रभाग बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें कि बकल फनल के चारों तरफ एक वलय उपस्थित है जिस पर कि दृढ़ उभार दिखाई दे रहे हैं, और इसके साथ ही साथ अंदर गुहा में भी हॉर्नी टीथ, श्रृंगीय दांत उपस्थित होते हैं, जो कि रदनक का कार्य करते हैं। ये कार्टिलेजिनस संरचनाएं होती हैं जो मुख्य रूप से बकल फनल पर या सकर पर उपस्थित होते हैं, और लैम्प्रे जब बड़ी मछलियों की के ऊपर परजीवी के रूप में रहती है, यह उनकी त्वचा का भक्षण करने में सहायक होते हैं। बकल फनल अंदर की ओर माउथ में खुलती है, जो कि बकल कैविटी या मुख गुहा कहलाती है। अंदर की ओर यह ईसोफेगस या ग्रसिका में कंटिन्यू रहती है, और इसके अधर की ओर रेस्पिरेटरी ट्यूब उपस्थित होती है, जो कि पीछे की ओर बंद हो जाती है। रेस्पिरेटरी ट्यूब और जो ग्रसिका है या ईसोफेगस है, इन दोनों की ओपनिंग एक व्हीलर टेंटिकल या व्हीलम द्वारा एक पर्दे नुमा, पट नुमा संरचना होती है, के द्वारा रक्षित होती है या इन दोनों को सेपरेट करती है। और ईसोफेगस या ग्रसिका जब इंटेस्टाइन में खुलती है या कंटिन्यू होती है, उस ओपनिंग पर भी वेल्व्यूलर अपर्चर उपस्थित होता है। इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो यह आगे की ओर थोड़ी सी फैली हुई होती है, जबकि पिछले भाग में यह कम फैल जाती है और एनस में एंड हो जाती है, एक छोटे से डिप्रेशन या वलन के या एंठन के रूप में, और इसमें संपूर्ण
इंटेस्टाइन में अगर हम देखें तो टिफ्लोसॉल नामक संरचना उपस्थित होती है। टिफ्लोसॉल जो संरचना होती है यह वास्तव में सर्पिलाकार वलन उपस्थित होते हैं जो कि संपूर्ण इंटेस्टाइन या आंत्र में की लंबाई में उपस्थित होते हैं और ये स्पाइरल वॉल्व के रूप में भी कार्य करते हैं, अर्थात जो आंत्र है वो एक सीधी ट्यूब में ना होकर एक सर्पिलाकार ट्यूब के रूप में, नली के रूप में होती है, जिससे कि भोजन का पाचन और अवशोषण होने के लिए उपयुक्त समय मिल जाता है क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को अगर हम देखें तो अभी आपको बताया था कि मुख्य रूप से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सलाइवरी ग्लैंड होती है और लिवर होती है, लिवर होता है। अगर हम सलाइवरी ग्लैंड को देखें तो ये हाइपोब्रैंकियल मसल्स के एक पैच के द्वारा ढकी रहती हैं जो कि इनके ओपनिंग और इनके सिक्रीशन को, संकुचन को नियंत्रित करते हैं। नाम से स्पष्ट होता है हाइपोब्रैंकियल, अर्थात टंग के बिल्कुल नीचे की ओर बकल फनल या मुख गुहिका के अंदर की ओर ये उपस्थित होती हैं और इनका जो स्रवण होता है वो मुख्य रूप से एंटी कोएगुलेंट अर्थात प्रतिरक्त स्कंदक के रूप में कार्य करता है। जैसा कि पेट्रामाइजोन अथवा लैम्प्रे बड़ी मछलियों के ऊपर परजीवी के रूप में रहती है, परभक्षी के रूप में रहती है, उनका की त्वचा का भक्षण करती है, तो यह रक्त स्कंदन को रोकती है जिससे कि यह निरंतर या बिना रुके उनके शरीर से, अपने होस्ट या पोषक के शरीर से रक्त का स्त्राव या चूषण कर सके। दूसरी जो मुख्य ग्लैंड होती है वह डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, वह लिवर होता है, यकृत होता है। यकृत द्विपालीय संरचना होती है परंतु इसमें बाइल डक्ट लार्वल अवस्था में उपस्थित होता है परंतु अडल्ट में यह अनुपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त पेंक्रियाज भी उपस्थित होती हैं और पेंक्रियाज एसिनाई या पेंक्रियाटिक एसिनाई जो उसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है वह इंटेस्टाइन के अग्रभाग में उपस्थित होती हैं। ये मुख्य भाग होते हैं लैम्प्रे या पेट्रामाइजोन की आहार नाल या पाचन तंत्र के, जिसमें मुख्य रूप से मुख बकल फनल, टंग, इंटेस्टाइन जो कि टिफ्लोसोल रूप में है, स्पाइरल नलिका के रूप में है, प्रत्येक ओपनिंग पर ईसोफेगस की इंटेस्टाइन में और इंटेस्टाइन की एनस में ओपनिंग पर वॉल्व उपस्थित होते हैं और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं स्पेशली हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड्स के, सलाइवरी ग्लैंड्स के, उनमें एंटी कोएगुलेंट या प्रतिरक्त स्कंदक पाया जाता है। अर्थात अगर हम देखें भोजन के या भक्षण के प्रकार को तो पेट्रामाइजोन में सक्टोरियल या चूषक प्रकार का मुख होता है जिसमें कि रदनक या कार्टिलेजिनस रेस्पिंग एपरेटस उपस्थित होते हैं जो कि बकल फनल के बाहर की ओर एक वलय के रूप में और जिह्वा पर श्रृंगीय दांतों के रूप में होते हैं जो कि अपने पोषक या होस्ट पर चिपकने में और उनसे भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं। पेंक्रियाटिक और जूस जो हैं वो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। बच्चों, पेट्रामाइजोन के डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही हम ये टॉपिक अभी ख़त्म कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। नोट्स को अच्छे से पढ़ना, डायग्राम्स को ध्यान से देखना और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।